कि घर हमारा, कलम हमारा, लिखने वाला हमारा, सब कुछ हमारा, 95% हम और 5% लोग दावा देके बैठा हुआ है। जब आज मोदी हर जगह बदल रहा है, कहीं इस स्टेशन का नाम, कहीं उस राज्य का नाम, कहीं उस जिले का नाम, सबको बदल रहा है, तो संसद भवन का नाम बदल करके अम्बेडकर भवन होना चाहिए। और पेड़ में भगवान बने, पत्थर में भगवान और मूर्ति में भगवान, कुत्ते में भगवान, बिल्ली में भगवान, सांप में भगवान आए क्या भाई? लेकिन आरक्षण हटेगा किधर से? या तो मंदिरों से हटाओ या तो गटर से हटाओ। गटर में भी आप आरक्षण लेकर के थोड़ी सी मजा चख लो और मंदिरों में हमें आरक्षण दे करके थोड़ी सी मजा चखने दो। हम एक खेत नहीं, एक बाग नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। मेरा घर है भारत, हम भारतीय हैं, मूल निवासी हैं, हमको सब चाहिए। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। दरअसल इस वक्त मैं चूना भट्टी कीर्ति नगर में मौजूद हूँ। इस तरफ आपको एक मंदिर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन गर्व की बात यह है कि यहाँ पर देवताओं की नहीं बल्कि संविधान रचयिता भीमराव अंबेडकर और बौद्ध जी की तस्वीर लगी हुई है। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। देखिए यहाँ इस तरफ आप देख सकते हैं, तमाम छोटे छोटे बच्चे हैं। आज यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम कराया गया था, सम्मान समारोह भी कह सकते हैं मीडिया को लेकर। लेकिन आज हम जब मीडिया की बात करते हैं, चौथे स्तंभ की बात करते हैं, फोर्थ पिलर की बात करते हैं, तो आपको जानकर शायद ये खुशी हो कि अब बात मेन स्ट्रीम मीडिया की नहीं बल्कि सोशल मीडिया की जाती है, क्योंकि वही लोग जनता की आवाज उठा रहे हैं। तमाम लोग मौजूद हैं, बिना देर करे शुरुआत करना चाहूंगी। चलिए चलते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इजाज खान है जनाब। इजाज जी, क्या कहना चाहेंगे आज, किस किस विषयों पर चर्चा करी आप लोगों ने? सबसे तो पहले हम अपने समाज के लोगों को जगाना चाहते कि हमारा अधिकार क्या है और मीडिया में मेरी भागीदारी कितनी है। तो क्योंकि दूसरी बड़ी मीडिया हमें पूछती नहीं है, तो हम अपनी मीडिया लेके आए हैं जो सोशल लाइट के नाम से है, और उसके माध्यम से हम समाज के बीच में जाते हैं और यह अधिकार बताते हैं कि तुम्हारा अधिकार क्या है। अभी तक अच्छा, मैंने देखा आपके भाषण में आप कह रहे थे कि संसद भवन का नाम भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से होना चाहिए, क्यों? इसका एक ही कारण है कि घर हमारा, कलम हमारा, लिखने वाला हमारा, सब कुछ हमारा, 95% हम और 5% लोग दावा देके बैठा हुआ है, तो हमारा संसद भवन का नाम। जब आज मोदी हर जगह बदल रहा है, कहीं इस स्टेशन का नाम, कहीं उस राज्य का नाम, कहीं उस जिले का नाम, सबको बदल रहा है, तो संसद भवन का नाम बदल करके अंबेडकर भवन होना चाहिए और अंबेडकरवादी वहाँ बैठे, बौद्धिस्ट समाज का लोग बैठे, ताकि समाज को जो है असली न्याय। आपने कहा 5% लोगों ने घेराव कर रखा है, लेकिन उन लोगों का मानना है वही सद्बुद्धि वाले लोग हैं? नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं। आज अभी आप अगर मीडिया के हैं तो सोशल मीडिया से लेके, प्रिंट मीडिया से लेके, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेके उठाइए, एक भी ऐसा चैनल नहीं है जिस पे 311 लिखे हुए तिलकधारी ना खड़े हों, और कहाँ कहाँ की मनगढ़ंत कहानी लिख रहे हैं, बता रहे हैं। और बाबा साहब की बात जो चैनल पे है, कोई चैनल दिखाता नहीं है, बताता नहीं, और हमें क्या बताता है? वहाँ उस बाबा के पास चले जाओ, अभी आगे निकल के आया बाबा के, भागेश्वर बाबा 25 साल का है, धीरेन्द्र शास्त्री, हाँ, शादी नहीं हुई है और भगवान से बात करता है, चमत्कारी बाबा है वो। और तुम तो लो, कैसा चमत्कार है, नारद जी से बात होती है नंबर नहीं देंगे, मैंने रावण से बात होती है नंबर नहीं देंगे, हनुमान जी से बात होती है नंबर नहीं देंगे, और वहाँ पैसा दे दे करके उसको बैठा रखा है, कोई लोट पोट कर रहा है, कोई गिर रहा है, कुछ हो रहा है। तो ये जो पाखंड तैयार किया है, ये सोची समझी चाल है कि 1924 में है, क्या है वो पाखंड? नहीं, वो चमत्कार है। तो यहाँ भेड़ चाल है, हमें हमारे समाज को 95% को भेड़ चाल में फंसा रखा है, समझ गए? किस प्रकार से? इस प्रकार से कि भगवान है जी, पेड़ में भगवान बने, पत्थर में भगवान और मूर्ति में भगवान, कुत्ते में भगवान, बिल्ली में भगवान, सांप में भगवान आए क्या भाई? कहाँ कहाँ इंसान में जो भगवान, दलितों को जुबान देने वाला, गांधी जी को जीवन दान देने वाला, अब भारत को संविधान देने वाला, वो अछूत, और जो अछूत है वो सछूत, ये कहाँ का इंसाफ है?
तो इस इंसाफ को लाने के लिए हमें जो है संसद भवन का नाम अम्बेडकर भवन होना चाहिए और दलित समाज का लोग वहाँ बैठे, क्योंकि हम 95% ये हमारा हक है, कोई भीख नहीं है हमारा, ये अधिकार है, ये हक है, ये कोई भीख नहीं है। क्या कहेंगे आप, कितना सहमत है इनकी बातों से? ये मैं इनकी बातों से 100% सहमत हूँ। और जो जिन्होंने बाबा साहेब ने कानून बनाया उस भवन का नाम अगर जो है उनके नाम पर नहीं रखा जाता है तो ये बहुत शर्मनाक होगा। अच्छा, मेन स्ट्रीम मीडिया से भी आप लोगों ने भाषण में बताया कि भरोसा उठ गया है, क्यों? मेन स्ट्रीम मीडिया छोटे लोगों की तो बात ही नहीं उठाता है, वो उसको तो जो लाखों रुपए देगा उसी की बात मेन स्ट्रीम मीडिया में आती है। और ख़ास तौर पर दलितों की, पिछड़ों की, मुस्लिमों की, सिखों की कोई ऐसी बात जो है। लेकिन अब तो सबका साथ और सबका विकास का नारा लगता है ना? तो सबका साथ तो ठीक है, लेकिन सबका विकास किसका हो रहा है ये तो आप भी जानती हैं। जो विकास जिनका हुआ है वो तो भाग गए बाहर विदेश में, तो जिनका साथ लिया है वो गरीब यहीं पड़े हुए हैं। बता दो विकास किसका हुआ है? अंबानी के पोते का हुआ है विकास, उसकी छट्टी में प्रधानमंत्री जाते हैं, किसान मरता है वहाँ नहीं जाते, कारगिल युद्ध में मरा उसको नहीं पूछते हैं, मजदूर भूख से मर रहा है उसको नहीं पूछते, कोरोना काल में कितने लोग मर गए उसका चर्चा नहीं। अंबानी के बेटे का छट्टी हो रहा पोता पैदा हुआ है तो उसके वहाँ जरूर जाएंगे, उसका विकास हुआ है। अच्छा, तो उनके आयोजन में जाने से आपको तकलीफ है? अरे तो जो 100% जनता 95% मर रही भूखी, विकास की जरूरत है तो विनाश वाले में क्यों जा रहे हो? रेलवे उसका, माने एयरपोर्ट उसका, सारा संपत्ति उसका, हमारा क्या है? हमारा घर और हम विदेश का राम मंदिर है, राम मंदिर। हाँ तो ये सुन लीजिए ना, जिस पंडित जी को घंटी बजाना चाहिए मंदिर में वो हमारे बाबा साहब के घर में मंदिर में घंटा बजा रहा, और हमको झुंझुना पकड़ा दिया कि तुम यहाँ घंटी बजाओ, हमारे पल्ले जिस दिन पड़ जाएगी हमको पड़ा है, हम ऐलान करके मांगना चाहते हैं। ये हमारा समाज है। हाँ, ये आपका समाज है। क्या नाम है आपका? विक्की गौतम। विक्की, आपने कहा कि अभी भी आरक्षण को भीख बताया जाता है और आरक्षण समाप्त नहीं हुआ, लगता है आपको आप युवा हैं? बिल्कुल, आरक्षण आप जैसा देख रहे हैं आजकल जो मार्केट में ट्रेंड, लोगों ने ट्रेंड बना रखा है कि आरक्षण मिल रहा है, तुम एससी को आरक्षण मिलता है, हम मेहनत करते हैं हमको कुछ नहीं मिलता, ये सारी बेवकूफ़ी की बातें होती है। तो आरक्षण नहीं मिल रहा आप लोगों को? आरक्षण मिल रहा है, लेकिन जो उसके खिलाफ जो प्रोडक्शन हो रही है, जो भी इंसान आरक्षण ले रहा है, हम जैसे लड़के जो गरीब जो पढ़ नहीं पाते, हम आरक्षण लेते तो पता है हमारे उंगलियाँ उड़ती हैं। ये यहाँ पर डॉक्टर बना हुआ क्यों? क्योंकि इसको आरक्षण मिला है। ऐसी हमें आरक्षण नहीं चाहिए, हमें जो आरक्षण मिल रहा है आपको पता ही, आरक्षण कितना लोगों ने आज ट्रेंड बना रखा है कि इसको आरक्षण मिल रहा है, आज ये कुछ नहीं होता अगर आरक्षण ना होता तो। ये क्या मतलब है? मैं कह देना चाहूँगा, जब मैं 95% हूँ तो तुम अपना हिस्सा 5% लेके अलग जाओ ना, हमारा क्यों, हमको भीख क्यों दे रहे 5%? तुम भीख मांगे तुम हो, तुमको 5% चाहिए, 95% मेरा दे दो ना वापिस, मेरा वापिस देखो, मेरा ही ले करके, और तुम हमें 5% पकड़ा रहे। 2% वोट तो लिया जाता है ना आप लोगों से, आप लोग वोट के काम आते हैं, इसलिए बाबा साहब जब संविधान सौंपे थे तो आखिरी दिन में उनको रोना पड़ा कि मैंने संविधान तो लिख दिया लेकिन अफसोस मेरे पास में टाइम नहीं है, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा मैं समय नहीं दे पाया, अपने समाज के लोगों को बता नहीं पाया। तो आज जो उसका इस्तेमाल कैसे होना चाहिए जो नहीं बताया गया, जिसकी वजह से ये परेशानी हो रही। 25 रुपये का जागरूकता की अभी भी कमी है आपको ऐसा लगता है? बहुत बहुत। हो सकता है जागरूक हैं तभी अपने घरों में बैठे हैं? नहीं, ये आसरा देख रहे हैं, इनको कह दिया अभी तुम घर में बैठो, हम पहले खा लेंगे, हमारा पेट भर जाएगा, हमारे परिवार का पेट भर जाएगा, हमारे बच्चों का, हमारे रिश्तेदारों का पेट भरेगा, तब तुम्हें लेके आएंगे, तब तुम पत्तल चाटना, इतने से काम है। अच्छा, मंदिर का उदाहरण दिया था, मैं चाहूंगी कि आप बताएं क्या कहा था आपने मंदिर में। अभी मैंने कुछ देर पहले ही एक न्यूज़ देखी थी, उसमें लिखा हुआ था स्पेशली कि जो पंडित बनेगा मंदिरों का वो ब्राह्मण ही होना चाहिए। ये क्या है? दिस इज़ अ रिजर्वेशन, दिस इज कॉल्ड रिजर्वेशन। दूसरा आया कि ब्राह्मण के अलावा, उसको बोलते 100% रिजर्वेशन, जो अभी चल रहा था 48% रिजर्वेशन फॉर द SC ST OBC माइनॉरिटी अदर कास्ट,
बट इफ आई टॉक अबाउट द प्रीवियस न्यूज विच आई शोन इन द बिफोर यस्टरडे आफ्टर बिफोर यस्टरडे आई शोन दैट कि जो पंडित बनेगा वो बनेगा ब्राह्मण ही बनेगा और कोई पंडित नहीं बन सकता। ऐसा क्यों? ये 100% आरक्षण था, एससी एसटी कभी बन ही नहीं सकता। दूसरा, जो कैशियर होगा, जो पंडित जो हाँ मंदिरों के अंदर जो पैसे कलेक्ट करेगा वो भी ब्राह्मण ही होना चाहिए। ये क्या है? रिजर्वेशन, अभी तक रिजर्वेशन खत्म नहीं। तीसरा क्या था? तीसरा था कि जो हाँ झाड़ू पोछे वाला, उसमें लिखा हुआ था स्पेशली कि कोई भी कास्ट बन सकता है, स्पेसिफाई फॉर दलित। अच्छा, ये उदाहरण जो है मैंने जानबूझ के पूछा, कोट करना चाहूंगी कि आप देखिए कि किस प्रकार से हम इस शताब्दी में रह रहे हैं और हम कह रहे हैं कि विकास का नारा चल रहा है, लेकिन अफसोसन आज भी जब मंदिरों में चंदा इकट्ठा करने की बात होती है, मंदिरों में बैठने की बात होती है, तो रिजर्वेशन कोटा अभी भी बंद नहीं हुआ है, वो केवल ब्राह्मणों और पंडितों का है। लेकिन हाँ, झाड़ू पोछा या कोई नीचे तबके का काम है तो उसके लिए एससी एसटी माइनॉरिटी के लोग निर्धारित कर दिए गए हैं कि यही करें, उनका कोटा निर्धारित कर दिया। क्या कहेंगे, सहमत हैं आप इनकी बातों से? देखिए, जो इन्होंने कहा है इनकी बातों से हम सहमत तो नहीं हैं, क्योंकि जो रिजर्वेशन की बात है, एक तरफ तो कहते हैं कि आपको खैरात में मिला हुआ है, जबकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के अंदर जो हमें अधिकार दिया है पूरा आज तक हुआ नहीं है। रही बात आरक्षण हटाने की, तो मैं भी चाहता हूं कि आरक्षण हट जाए तो अच्छा है, लेकिन आरक्षण हटेगा किधर से? या तो मंदिरों से हटाओ या तो गटर से हटाओ। गटर में भी आप आरक्षण लेकर के थोड़ी सी मजा चख लो, और मंदिरों में हमें आरक्षण देकर के थोड़ी सी मजा चखने दो। रही बात जो नौकरियों में है, आज भी मात्र 49.5% आरक्षण जो है निर्धारित है, लेकिन इसके बावजूद सवर्ण क्लास के लोगों को 10% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन दिया गया है। वो रिजर्वेशन हमारे 49% में से दिया गया है, जबकि जो सवर्ण क्लास है जिसकी आबादी मात्र 10% है, उसे आबादी के हिसाब से 10% आरक्षण होना चाहिए, लेकिन मंदिरों में राजसत्ता में आज वो 100% आरक्षण लिए हुए हैं। तो आरक्षण का विरोध ये करते हैं, कहते हैं आरक्षण स्वाहा। अभी इनकी ब्राह्मणों की एक रैली हुई थी आरक्षण स्वाहा की, मैंने उसको अभी सोशल मीडिया पर डाला हुआ है, बहुजन लाइव 85 पर कुछ लोगों ने देखा भी होगा। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आप आरक्षण ख़त्म कहाँ से करना चाहते हो? कह रहे हैं जितना आरक्षण देते जा रहे हैं उतने ही तो आप लोग पैर पसार रहे हैं। नहीं, हमारे आरक्षण को तो आज तक पूरा इन्होंने दिया नहीं है, हमारे आरक्षण पर आज इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, आज इन्होंने इनके जो मोटे मोटे पेट हुए हमारे ही धन को खा करके हुए हैं, तो इन्होंने हमारे आरक्षण को पूरा दिया कहाँ? आरक्षण पूरा दिया कहाँ? इन्होंने क्या 85% आरक्षण दे दिया क्या? तो अभी क्या क्या लेना बाकी है? अभी हमें संसद में हमारा प्रधानमंत्री होना बाकी है, हमारा पूर्ण रूप से राष्ट्रपति होना बाकी है। आज तक इन्होंने जो दो राष्ट्रपति दिए हैं वो गुलाम राष्ट्रपति दिए हैं, एक भी राष्ट्रपति के अंदर काबिलियत नहीं है को अपनी बात को रख सके सही ढंग से। अभी जो राष्ट्रपति बनी है मुर्मू जी, इनको बहन कुमारी मायावती जी के बदौलत जो है राष्ट्रपति बनने का मौका मिला, लेकिन इन्हें जब राष्ट्रपति बनाया गया तो इनकी कुर्सी का शुद्धिकरण हुआ था, वहाँ पे वेद मंत्र चले थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं बाबा साहब की बदौलत यहाँ पर पहुँची हूँ तो मुझे यहाँ पे बौद्ध धर्म के रीति रिवाज से ग्रहण करना चाहिए, लेकिन इनकी जुबान नहीं चली। तो मैं समझता हूँ कि यह भी गुलाम राष्ट्रपति हैं, और गुलाम राष्ट्रपति कोविंद जी भी थे, उनको मंदिरों में धक्का मार करके भगाया गया, लेकिन उन्होंने एक बार भी उसका विरोध नहीं किया। विरोध कौन करता है? हमारा बहुजन समाज। आज बहुजन समाज के लोगों को ये जो है कि कुछ नहीं समझते, कहते हैं कि बहुजन समाज के लोग तो जो है कि खरपतवार जैसे हैं, हमारी गिनती तो नाली के कीड़ों जैसे होती है। तो पहले हुआ करती थी ना, भी होती है। मीडिया वाले सही दिखाते कहाँ हैं? हाँ, मीडिया वालों ने कभी बहुजन समाज की खबर को दिखाया? कभी दुख दर्द को दिखाया? और मीडिया वालों ने कभी गरीबों ने अच्छे काम किया उसको दिखाया? हमेशा तो मीडिया वाले पैसे वालों को दिखाते हैं, और मीडिया वालों की देने के आज हमारे समाज की ये नौबत हुई है। क्या भेदभाव होता है अभी भी आपके? भेदभाव होता है, सारे मीडिया वाले अभी अंबानी आ जाए अदानी आ जाए तो उसके पीछे पीछे चलते हैं, और हमारे समाज का कोई प्रोग्राम होता है, हमारा कोई नेता होता है तो उसके पीछे मीडिया जाने से कतराती है, उसकी खबरें दिखाती है आज तक मीडिया? अगर सोशल मीडिया हमारी 10% जो है यही तो हमारी खबरों को दिखाती है, कौन ऐसी मीडिया है जो कि हमारी खबरों को दिखाती है? क्या अब निचले तबके के लोग भी समानता का अधिकार पा रहे हैं? एक चैनल की बात कर दो, कोई ऐसी चैनल हो जो हमारी खबरों को दिखाती हो। नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक ये जो है सरकारी मीडिया थोड़ी है, जो बड़ी बड़ी मीडिया है, नेशनल दस्तक तो है तो ये तो बहुजन मीडिया से ही पनपी हुई है ना। हम एक खेत नहीं एक बाग नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। मेरा घर है भारत, हम भारतीय हैं, मूल निवासी हैं, हमको सब चाहिए।
सब कुछ चाहिए फिर तो कहेंगे आप लोग भेदभाव को बढ़ावा दे रहे हैं। 5% जो बाहर से आए हो अपने जाओ, मिश्रा जी मिश्र जाओ, दुबे जी दुबे जाओ, तुम भागो, हमारा घर है ये, हमारी ये बौद्ध नगरी है, बौद्ध नगरी में हमको आरक्षण की जरूरत कहाँ है, हम 95% मेरा जो हक है वो दे दो ना। कह रहे हैं सभी लोग सनातनी है, कौन कहता है? अभी देखा नहीं सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि सनातनियों का देश है। देखिए बहुत बड़ी गंदी बात निकालना चाहता हूँ मैं, लेकिन नहीं बोलूँगा। ऐसे लोग जो फांसीबाज हैं, जो अपने गुरु को मार के आया हो, जो अपने गुरु का मठ कब्जा किया हो, दलितों को कटवाया हो, उस आदमी का क्या पता। अरे संसद में घास खिलाते हैं गाय को, तो घास खिलाओ ना, चारा खिलाओ ना, वहाँ यहाँ क्या कर रहे हो इतने बड़े बड़े प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी जनता ने पहुँचाया है, वो कह रहे हैं गलत बात। मोदी डर से वहाँ पहुँचाया, कह दिया था पहले इलेक्शन से अगर हमको मुख्यमंत्री नहीं बनाए तो तुम्हारा सुपारा साफ कर देंगे। ये योगी की बात है, निकाल लो अब। श्राप देते हैं योगी बाबा, योगी बाबा कह दिया अगर हमको मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो तुम्हारा सुपड़ा साफ हो जाएगा, तुम खत्म हो जाओगे। डर से उसको बनाया गया, डर से। और आज नंगा नाच नाच रहे, पता नहीं चिनैती डकैती बलात्कार मतलब जो भी कुछ है सब कुछ हो रहा है। अच्छा क्यों चाहते क्या है आप लोग? हम अपना हक चाहते हैं। तो मिल तो गया है संविधान में। क्या मिला है संविधान में? संविधान लागू करो ना, बैकलॉग भरो ना, कॉलेज में कितनी जरूरत है अभी खाली सीट, तो बैकलॉग भरो, संसद में बैकलॉग भरो, मैंने जो तो पार्लियामेंट में बैकलॉग भरो, और जो तुम्हारे जहाँ भी है टीचर से लेकर के एमसीडी से, अभी इन्होंने एक बात कही ना कि मंदिर में हमको आरक्षण दो और गटर में तुम आरक्षण लो, तब ना पता चलेगा कि क्या है। हाँ कह रहे मंदिर में आरक्षण कैसे देते, ज्ञानी ही नहीं है आप लोग इतने। कौन कहता ज्ञानी नहीं है? हमारा समाज 85% हमारा समाज है, हमारे समाज में आज किसी चीज की कमी नहीं है, उनके अंदर एक भी मंत्र का सही अर्थ बताने नहीं आता है। हमारे बीच में तो ऐसे ऐसे पड़े हैं जो उनके बाप ने लिखा है, हमारे बाप ने नहीं लिखा उसका भी अर्थ बता देते हैं। आज जितने भगवा वाले हैं सबको देख रहे हो ना, बाबा बागेश्वर धाम वाले को पता है आज कहाँ है? सम्यक समाज संघ स्त्री ने छतरपुर में जाकर के उस लड़की के घर गया जिसकी शादी में जाकर के तबाही किया था, वहां पे जब तक FIR दर्ज नहीं करा दिए, लाखन सिंह बहुत तब तक SP से जब तक मिल नहीं लिए, और मिल करके जब तक 308 नहीं लगवा दिया तब तक वहां से हिले नहीं। अच्छा मतलब आप लोगों को संविधान चाहिए, हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए? काहे का हिंदू राष्ट्र चाहिए हमें? हिंदू राष्ट्र का हिंदी आपको पता है क्या होता है? क्या होता है बताइए? क्या होता है? हिंदू का मतलब होता है कायर, हिंदू का मतलब होता है एक गाली शब्द है। जब ये मुस्लिम शासकों की जहाजें लूटा करते तो कहते तुम कायर हो, मक्कार हो, तुम हिंदू हो, हिंदू कह कह करके गालियां दिए थे। और अगर हम हिंदू हैं, मैं कहता हूं पहले एक गांव हिंदू बना करके दिखा दो, जिस गांव में सिर्फ और सिर्फ हिंदू होगा, ना कोई मुस्लिम होगा, ना सिख होगा, ना दलित होगा, ना कोई वैश्य होगा, ना कोई ब्राह्मण होगा, सिर्फ हिंदू होगा। अगर किसी की माँ ने दूध पिलाया, एक हिंदू गांव बना करके दिखा दे, सभी हिंदू है, काहे का कौन हिंदू है? रोटी बेटी हिंदुस्तान बराबर हिंदू राष्ट्र। मैं कहता हूँ रोटी बेटी का रिश्ता करेंगे? जो हिंदू धर्म का ठेकेदार है एक चमार की बेटी ले आएगा, एक चमार के बेटे को अपनी बेटी देगा? मैं मान लेता हूँ मैं हिंदू हूँ, अपनी बेटी दे करके दिखाओ, एक बिस्तर पे सुला के दिखाओ, मैं मान लेता हूँ कि हिंदू हूँ। काहे का हिंदू, किस चीज का हिंदू, किस लिए हिंदू हूँ? कौन हिंदू है? जिसको सर्टिफिकेट मिली हो हिंदू की, वो आए मुझे दिखाए मैं हिंदू हूँ, और आप हिंदू बन जाओ, मैं बनने को तैयार हूँ, रोटी बेटी का रिश्ता कर लो। कह रहे रोटी बेटी का रिश्ता कर लो, मान जाते हैं हिंदू है। अच्छा ये हिंदू कैसे हैं? जब अभी 24 में वोट होगा तो ऐसे नौजवान को पकड़ के ले जाएगा, कहेगा बेटा चल तू मेरा दामाद बन जाए एक घंटे के लिए, जब तक वोट नहीं पड़ा तो वहाँ लड़की साथ में जाएगी और वोट देगा, कहेगा कि ये कौन है? तो मेरा हस्बैंड है। हस्बैंड जब है और जैसे वोट दे के निकला तो हाथ छोड़ा करके चला जाएगा। तो ये इसके लिए हिंदू बनाते हैं ये, बाकी कोई हिंदू नहीं है। और सही मानों में सब लोग बौद्ध हैं, सनातनी धर्म जो बता रहे हैं ये, इनको या तो हमें छुपाना चाहते हैं या बताना नहीं चाहते कि सनातनी धर्म है क्या। कह रहे हैं हिंदू का नाम बस केवल राजनीति के लिए किया जाता है, क्या कह रहे थे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम तिलक राज बौद्ध है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ये कह रहे हैं हिंदू हिंदू, तो हिंदू तो अखिलेश भी थे, हिंदू योगी आदित्यनाथ भी थे। तो जब अखिलेश जी हटे
कुर्सी से, तो उस कुर्सी को गौमूत्र और गंगा जल से धोया गया, तो ये कौन से हिंदू अखिलेश जी हैं और कौन से हिंदू ये आदित्यनाथ योगी जी हैं, कि आखिर हिंदू तो भी हैं? नाम क्या बताया आपने अपना? तिलक राज बौद्ध। तिलक राज जी, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। अगर सभी लोग हिंदू हैं तो आखिरकार ये छुआछूत किस लिए किया जाता है, ये भेदभाव किस लिए किया जाता है? और इन्होंने कही थी बेटी के बदले। देखिए, कभी शरद यादव जी ने एक बात कहा था कि अगर भेदभाव मिटाना है तो एक ब्राह्मण की बेटी और एक चमार के बेटे को एक बिस्तर पर कर दो और मैं मान जाऊंगा भेदभाव मिट गया। लेकिन क्या आज तक हुआ? नहीं हुआ। आज जो देश के अंदर तमाम हमारी बहन बेटियों के साथ में रेप गैंग रेप होते हैं, आप चाहे दिल्ली कैंट की घटना ले लो, आपको गुड़ मंडी रामपुरा की घटना ले लो, आप क्या नाम है हाथरस की घटना ले लो, तमाम ऐसी घटनाएं हो रही हैं, क्या वो बहन बेटियां हिंदू नहीं है? तो देख लीजिए, ये कह रहे हैं कि ये देश संविधान से चलेगा, हिंदू राष्ट्र से नहीं, और इन लोगों को संविधान की सारी बातें पता है और याद भी है। हाँ जी राजवीर जी, बताइए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि चुनाव ही जो चुनाव व्यवस्था है वही हमारे देश की सबसे बड़ी अव्यवस्था का कारण है। तो जो मैंने अध्ययन किया है राजनीति में, मुझे पता चला कि बाहर विदेशों में जहाँ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम है वो देश तरक्की कर रहे हैं। अभी जैसे अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, डेनमार्क में है, हॉलैंड में है, वहाँ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम है, तो उससे सभी लोगों को, सभी समुदायों को, सभी जाति और धर्म वालों को संसद में जो है भागीदारी मिल जाती है। तो हमारे यहाँ भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम कायम होना चाहिए। आप भी एक बार उसको देखना और देखकर बताना कि मतलब क्या ये ठीक है। जाहिर तौर पर इन्होंने एक पेपर दिया है, पर्चा दिया है, जिसमें इन्होंने कई सारी तमाम बातें लिखी हैं। हालांकि मैंने उसे अभी पढ़ा नहीं है, मैं पढ़ूंगी जरूर, लेकिन जो इन्होंने कहा कि वो अगर नीति आ जाएगी तो सभी के लिए बेहतर रहेगा। और सबसे बड़ी बात इन्होंने कही, शरद यादव जिनका हाल फिलहाल में ही निधन हो गया था, उनकी बातों को लेकर चल रहे हैं। जो संविधान में लिखा है जाहिर तौर पर समानता का अधिकार सिर्फ दस्तावेज पर नहीं बल्कि सामाजिक रूप से भी मिल जाना अब बहुत जरूरी है। क्या इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे बताना बिल्कुल ना भूले। कैमरा पर्सन तोहित के साथ ज्योति, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।